बागपत में तीन मौलवियों के साथ चलती हुई ट्रेन में मारपीट कर उन्हें ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि जब वो लोग दिल्ली से अपने घर अहेड़ा लौट रहे थे, तभी कुछ दबंगों ने उनके साथ मामूली विवाद को लेकर ट्रेन में मारपीट की। इस दौरान करीब 7 हमलावरों ने विरोध करने पर लोहे के रॉड से पीटा और फिर बड़ा रेलवे स्टेशन पर फेंक कर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद घायल मौलवियों ने पास के गांव के लोगों को मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेकसूर को जो है ट्रेन में जो है मुसलमान करके मारा, ये फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ इनके जो है कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए और डॉक्टरी कराने के लिए यहाँ आए। कानूनी मदद के लिए इनके होनी चाहिए। वही मामला संज्ञान में आते ही एसपी जयप्रकाश ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले से जुड़े आरोपियों की तलाश कर रही है। बागपत से विवेक कौशिक, पंजाब केसरी टीवी। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।